बताइए, जो शिवपाल ने सेकुलर पार्टी बनाई है, बताया जा रहा है कि भाजपा की पार्टी है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, शिवपाल जी ने अलग राजनीतिक दल इसलिए बनाया, वो 5 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री हैं, और समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में माननीय मुलायम सिंह जी यादव के साथ उन्होंने खून पसीना एक किया, और जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने उनको उपेक्षित किया, जिस प्रकार से उनको बेइज्जत किया दल के अंदर, सरकार के अंदर, उससे आहत होकर, पीड़ित होकर एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर उन्होंने अपना एक विकल्प चुना। भारतीय जनता पार्टी के नाते मैं सिर्फ उनसे यह उम्मीद रखूंगा कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी में भ्रष्टाचार, गुंडाई, तुष्टिकरण, इस प्रकार की राजनीतिक मापदंड थे, उसको छोड़कर वह देश के लोगों के विकास के लिए सबका साथ सबका विकास के तहत काम करें। एक राजनीतिक दल के नाते हम उनको यही शुभकामना देंगे। शिवपाल जी को बी टीम सी टीम कहना तो वह विपक्ष के वह लोग कह रहे हैं जो इस तरह के कामों में पारंगत रहे हैं। शिवपाल जी राजनीतिक व्यक्ति हैं, उन्होंने अपना एक विकल्प खोजा है। और अभी जो हाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश से और राज्यों में, वहाँ पर आया है कि भाजपा का ग्राफ गिर रहा है, आप उसको लेकर के क्या कहें? देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी पिछले 15 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, और आपको मैं बता दूँ, सिर्फ एक पैमाना बता दूँ, जिस समय मध्य प्रदेश में शिवराज जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय मध्य प्रदेश कृषि उत्पादन में भारत में 8वें-9वें नंबर पर था। आज के तारीख में मध्य प्रदेश कृषि उत्पादन में देश में 2वें नंबर का सबसे बड़ा राज्य है, और जब कृषि उत्पादन बढ़ा, किसान की खुशहाली बढ़ी, तो गांव की और प्रदेश की खुशहाली बढ़ी है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान की नेतृत्व की मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को आने वाले चुनाव में कोई खतरा नहीं।